और तुम किंजल। जो बात हम दोनों के बीच है वो आगे नहीं जानी चाहिए, समझे? जी मोटा भाभी। कोकिला, वो पंडित जी आए हैं, मुहूर्त के बारे में तुमसे कुछ बात करने है। लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं था कि पंडित जी अभी आने वाले। हाँ, सवेरे ही उनका फोन आया था, मेरे ध्यान में नहीं रहा होगा, मैं तुम्हें बताना भूल गई। ताज्जुब की बात है, इतनी जरूरी बात आप कैसे भूल गई? आप मेरी बहू के हाथों मेरे होने वाले दामाद के लिए मेरी दीकरी के कमरे में नाश्ता भिजवाना नहीं भूली? वाह, જેમ કે મેં તમને પહેલા પણ કહ્યું હતું, આપણી સામે બે શુભ મુહૂર્ત છે, એક આ અઠવાડિયાનું અને એક આગલા મહિનાનું। બોલો કોકિલા, શું વિચાર છે? પંડિતજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। મણી, જાઓ સબકે લિયે પાણી લે આવો। બડી ખુશી કી બાત હૈ પંડિતજી, कि हम दोनों भाइयों के साथ साथ हमारे बच्चों तक सभी के लगन आपके हाथों ही संपन्न हुए हैं। मतलब मोटा भाई, ये सभी जोड़ियां इन्हीं के हाथों बनी हैं? ना ना, जोड़ी तो ऊपर वालों बनावी ने मोकले छे। अब देखिए ना, आपके बेटे जिगर की शादी कितनी जल्दी हुई थी, लेकिन उन दोनों की कुंडलियां बहुत अधिक मेल खाती है, पूरे 32 गुण मिलते हैं। और आपके बड़े पुत्र अहम और गोपी बहू की जोड़ी तो साक्षात राम सीता की जोड़ी है। हमने तो ठाकुर जी ए पोताना हाथे थी सीधा घड़ी ने अहिया मुकली दीदा छे। पंडित जी, लगन के मुहूर्त के बारे में बता रहे थे, आपके विचार से इन दोनों मुहूर्त में से सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त कौन सा है? दोनों, न कोई 19 है न कोई 20। बाकी जे तुमने लोगों ने ठीक लागे। पंडित जी, मेरे ख्याल से लगन की तैयारियों के लिए हमें थोड़ा बहुत समय तो चाहिए ही, तो बस एक महीने बाद का जो मुहूर्त है वही ठीक है। किम कोकिला? अरे भाई, इसमें कोई पूछने वाली बात है? हमारे खानदान की इकलौती लड़की की शादी है भाई, आन बान शान से होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हेतल कि केतकी जी को फोन कर दो और उन्हें कह दो कि अगले महीने के मुहूर्त तय हुए हैं। जी नहीं मोटा भाई, मैं चाहती हूँ कि मेरी दिकरी किंजल का लगन अगले सप्ताह ही हो जाए। कोकिला, अगले सप्ताह बहुत जल्दी हो जाएगा। पर माँ, इतनी जल्दी क्यों? किंजल, हजारों बार कह चुकी हूँ ना मैं, आज फिर से कह रही हूँ,
जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को मुंह बंद रखना चाहिए। ये बात याद रखना किंजल, और खास करके तब जब तुम्हारे लगन की बातचीत चल रही हो। समझी गई ने? हाँ मोटा भाभी, मैं चाहती हूं कि मेरी दिकरी किंजल का लगन अगले सप्ताह ही हो जाए। जो कोकिला, दिकरी की शादी करनी है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, सब इतनी जल्दी कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात कोकिला कि भाभी घर में नहीं है, बाकी गैर मौजूदगी में हम लोग किंजल की शादी सोच भी कैसे सकते? हाँ मोटा भाई, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बा से बात करूंगी। वैसे भी बाकी यात्रा पूरी हो चुकी है और बा गुरुजी के आश्रम में आ चुके हैं, बस कुछ दिनों में राजकोट भी आ जाएगी। अने बीजी बात, मोटा भाई, मोटा भाभी, कल मेरी माँ से बात हुई थी। मेरी माँ बता रही थी कि अगले महीने मेरे पिताजी की बरसी की तिथि है, अगर मैं किंजल का लगन अगले महीने रखूंगी तो माँ क्या सोचेगी कि पिताजी की बरसी के वक्त ये लगन का मुहूर्त निकाल के बैठ गए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किंजल का लगन अगले सप्ताह ही हो जाए। बराबर ने मोटा भाई? बात तो बिल्कुल सही है, तो फिर ठीक है, पहला मुहूर्त ही सही रहेगा। लेकिन माँ, किंजल ना पाड़ी छेने, कह चुकी ना मैं, बड़ों के बीच नहीं बोलते। मोटा भाई, मोटा भाभी, तो मैं केतकी बहन को फोन करके बता देती हूँ कि आज शाम को हम उनके घर आ रहे हैं और लगन की तिथि भी नक्की कर लेंगे, और इस शुभ कार्य के सिलसिले में जो भी तैयारियां हैं वो भी तय कर लेते हैं उनके साथ। बराबर शन है? हाँ मोटा भाभी, ठीक है। किंजल मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी परेशान मत हो बेटा, इतना अच्छा घर मिला है, इतना अच्छा वर मिला है, और तुम चिंता मत करो, एक हफ्ते बाद का मुहूर्त निकला तो क्या हुआ, हम तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग सालों तक भूलेंगे नहीं। सच काकी, मैं अपने कमरे में जाती हूं। सारू, आमणि, हाय, कोई नई खबर, कोई गुड न्यूज? रिश्ता कैंसिल करने की बात करने वाली थी, क्या हुआ? जी नहीं, यहाँ तो कुछ और ही खबर है। क्या? माँ तो इलेश की माँ को फोन कर कुछ और ही कहने वाली है। हेलो, हेलो, किंजल तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पंडित जी ने मेरी शादी के लिए दो मुहूर्त निकाले थे, एक तो अगले महीने का और दूसरा अगले हफ्ते का। हमारे घर में और इलेश के घर में हर कोई यही चाहता है कि शादी एक महीने बाद हो, लेकिन पता नहीं माँ को क्यों जल्दी पड़ी है। और माँ इलेश की माँ से यही बात करने वाली है कि शादी पहले वाले मुहूर्त पे ही होगी। लेकिन ये कैसे? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो गया। मैं तो यही सोच सोच के परेशान थी कि सगाई को कैसे तोड़ू, लेकिन अब तो बात शादी तक आ पहुंची है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इस दलदल से कैसे निकलूं। मैंने तो सोचा था जब माँ को पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ
वो खुद ही ये रिश्ता तोड़ देंगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो माँ रिश्ता तोड़ने के बजाय रिश्ता जोड़ने पर तुली है। लेकिन ये जानते हुए भी कि तुम प्रेग्नेंट हो, उसके बाद भी? मैं ये सब नहीं जानती कि माँ ये सब क्यों कर रही है। और अब तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा उमंग, क्योंकि मेरा दिमाग तो ठप हो चुका है। प्लीज उमंग, प्लीज कुछ करो, प्लीज डू समथिंग। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूं। माझी, वो काकी जी ने कहा कि मुहूर्त पक्का करने के लिए आज किंजल बेन के सासरे वालों के यहाँ जाना है, तो इन लिफाफों में कितने रुपए रखूं? माँ जी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ जी, आपके सिर में दर्द है, मैं दबा दूं? माँ जी, कहीं आप किंजल बेन की विदाई को लेके दुखी तो नहीं है कि वो हम सबको छोड़ के चली जाएंगी? देख लेना माँ जी, इलेश जी किंजल बेन को बहुत खुश रखेंगे। हाँ, इस बात की तसल्ली तो है कि किंजल के लिए हमें एक अच्छे और संस्कारी घर का लड़का मिला है। माँ जी, इन शगुन के लिफाफों में कितने रुपए रखने हैं? चल, मैं तुम्हें रुपये निकाल कर देती हूँ। आप लोग चलिए, हम आ रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम लोग जल्दी करो, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। जी जी, आप लोग भी चाहिए, मोटा भाई के साथ गाड़ी में सामान रखती। जाओ तुम भी। मणि, वो शगुन की थाली ले आ। हाँ मोटा भाभी। हाँ जा, ये शगुन की थाली बड़ी वाली गाड़ी में रखना। और हाँ सुन, वापस आके नानी भाभी को बुला कर लाना जल्दी, ठीक है? हे भगवान, इस छोटी कागड़ी की शादी की वजह से मम्मी जी मेरे आगे कामों का ढेर लगा देंगी। नहीं नहीं, कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी। गोपी बहू, सबसे जरूरी बात, ठाकुर जी के दिए में वो घी डालना मत भूलना। और हाँ, उसके बाद रसोड़े के सारे काम खत्म कर देना। और हाँ, ये शादी के निमंत्रण कार्ड के नमूने हैं, इसे मेरे कमरे की दराज में रख देना, मैं आकर देख लूंगी। जी माँ जी। अरे तुम तैयार होकर आ गई? बेटा, हम लोग जब घर वापस आएंगे ना तो। मम्मी जी, घर वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं तो मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। वो क्या है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। अच्छा, हो आओ। और हाँ, तुम वापस आओगी तो लगन की तैयारियों की हम तभी बातचीत कर लेंगे। जी, जाओ। चले मोटा बाबू। हाँ कोकिला, वो राशि अपने पीहर गई है, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक है या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राशि अपने पीहर जाए या ना जाए, उससे भी मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और खास करके आज, क्योंकि आज का ऐसा मौका है जिसमें सिर्फ घर के बड़ों की जरूरत है, इसलिए तो मैं अपनी गोपी वहू को भी हमारे साथ नहीं ले रही हूं। मोटा भाभी, बेहतर होगा कि केतकी बहन को जो समय दिया है
उनके घर पहुंचने का उसी समय पर पहुंचे। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है, निकलते हैं। अच्छा माँ, मोटा भाभी आप आगे बढ़िए, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी आना। माँ मुझे आपसे बात करनी है। वो माँ, क्या इस समय तुम्हें मुझसे बात करनी है? माँ मुझे आपको ये बताना है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम जानती हो तुम्हें क्या कहना है, और ना ही तुम ये जानती हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम सिर्फ एक बात जानती हो कि किस तरह से अपनी माँ का सिर और नजरें झुकाई जा सकती हैं। लगता है ठीक से बंद नहीं हुआ है। ये क्या है? लगता है किसी की डॉक्टरी जांच का कागज है। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंजल पे ने माँ जी की अलमारी से ही निकला है। मुझे लगता है उन्हीं की डॉक्टरी जांच का कागज है। चुप, बिल्कुल चुप। आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। ये मेरी माँ का कमरा है और आपको इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टरी जांच का कागज फाड़ दिया, लेकिन किंजल बेन ने ऐसा क्यों किया? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।